Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of public international law which is mentioned in our case. Case ka naam hai arrest warrant of 11th April 2000 aur is case ko hum Democratic Republic of Congo versus Belgium ke naam se bhi jante hain jo 2002 ka case hai. To chaliye ab is case ke fact, issue and judgment pe aate hain. Is case ke fact ye hain ki is case mein ek European country hoti hai Belgium aur Belgium ke ek judge hote hain wo universal jurisdiction ke ground pe ek international arrest warrant issue kar dete hain Congo ke foreign minister ke against mein aur un pe ye allegation lagaya jata hai ki unhone bahut sare aise crime kiye hain jo humanity ke against hai aur sath hi sath unhone ethnic tribe ke against bhi bahut sare crime commit kiye hain. लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन सब चीज़ों से बेल्जियम का कोई भी लिंक नहीं होता है और न ही बेल्जियम के किसी भी नागरिक का कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है. तो जो कांगो होता है वो ये कहता है कि बेल्जियम ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है क्योंकि उन्होंने कांगो के फॉरेन मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की है क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी है क्रिमिनल प्रोसेस के अगेंस्ट में. तो अब आते हैं इस केस के इशू पे. इस केस का मेन इशू ये है कि क्या बेल्जियम के पास यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन है प्रेजेंट केस में जो ये अलाउ करे बेल्जियम के जज को कि वो इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू कर सके कांगो के फॉरेन मिनिस्टर के अगेंस्ट में, ये जानते हुए कि जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कांगो के फॉरेन मिनिस्टर के अगेंस्ट में उस एलिगेशन से बेल्जियम का कोई भी कनेक्शन नहीं है. तो अब आते हैं आईसीजे के ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन पे. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना जो डिसीजन है वो कांगो के फेवर में सुनाती है और कहती है कि बेल्जियम के जज ने जो इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू किया था उस अरेस्ट वारंट को इशू करते समय उन्होंने अनलिमिटेड यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया था जो कि सही नहीं है. कोर्ट आगे कहती है कि यहाँ पर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या फिर पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन की कमी देखी जा सकती है और कांगो के फॉरेन मिनिस्टर जब अब्रॉड में अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हों तो उन्हें क्रिमिनल इम्यूनिटी मिलेगी चाहे उन पर एक्विजिशन हो वार क्राइम्स का या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिनिटी का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जो है सारे क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा मिल जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेल्जियम जो है उस पर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू कर दे. फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहती है कि बेल्जियम ने कांगो के फॉरेन मिनिस्टर के इम्यूनिटी की रिस्पेक्ट नहीं की जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है क्योंकि बेल्जियम के जज ने कांगो के फॉरेन मिनिस्टर के अगेंस्ट में इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू किया था. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेल्जियम को ये ऑर्डर देती है कि वो अपना ये इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट को कैंसिल करे. साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सिर्फ बेल्जियम के ज्यूरिसडिक्शन को ही चेक नहीं करती है बल्कि इस बात को भी अफर्म करती है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लॉफुल है लेकिन उसका अनलिमिटेड इस्तेमाल करना सही नहीं होगा. तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.